हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के कस्टमाइजेशन के एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज मैं आपके नॉर्मल से हाइपरओएस डिवाइस को फिर से इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ कुछ ऐसे। तो अगर आपको भी ये कस्टमाइजेशन अपने फ़ोन पे ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करें। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। वैसे दोस्तों, हम अपने Redmi Note 13 Pro 5G या फिर Poco X6 5G पे HyperOS 2 की डायनामिक वॉलपेपर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो कैसे, उसकी प्रोसेस आपको ऊपर कार्ड पे एक वीडियो में मिलेगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं आज के इस HyperOS कस्टमाइजेशन की, तो वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो होम स्क्रीन हो, लॉक स्क्रीन या फिर नोटिफिकेशन टॉगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे अपने स्टॉक लॉक स्क्रीन का ही यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैगजीन वॉलपेपर का ये वाला लेआउट, जिसे हमने HyperOS कस्टमाइजेशन के फर्स्ट एपिसोड में भी यूज़ किया था। अब चलते हैं होम स्क्रीन के तरफ, जिसे कस्टमाइज़ करने के लिए हमें इन ऐप्स को रिमूव करके इन्हें अरेंज करना होगा। तो चलिए करते हैं। फिर हमें जाना है विजिट सेक्शन पे, और फिर हमें ये KWGT का 4x2 विजिट को सेलेक्ट करना है, फिर इसे हल्का सा मूव करके नीचे की ओर इनलार्ज करेंगे। उसके बाद हमें अपनी विजिट को अप्लाई करनी है, और उसके लिए हम जो विजिट यूज करेंगे वो है लीफ KWGT का 0108, जिसे के हमारी होम स्क्रीन 50% कंप्लीट हो जाएगी। वहीं बाकी के लिए हमें सबसे पहले इन आइकन्स को चेंज करना होगा, और उसके लिए हमें जाना है थीम स्टोर पे, फिर माय अकाउंट, फिर आइकन्स, और फिर ये थीम डीप स्पेस को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है वॉलपेपर, और उसके लिए हमें जाना है गैलरी ऐप पे, और फिर इस वॉलपेपर को एज अ होम स्क्रीन अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारी होम स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बात करें कंट्रोल सेंटर और वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट की, तो उसे कस्टमाइज करने के लिए हमें जाना है थीम स्टोर पे, फिर बैक, फिर कस्टमाइज थीम, फिर स्टेटस बार, और फिर ये थीम रेड लाइट को अप्लाई करना है, जिसके साथ हमारी ये नोटिफिकेशन टॉगल और आज की डार्क कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इस लेआउट की लाइट कस्टमाइजेशन हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कस्टमाइजेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वहीं इसी तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।